हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तरो की सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम तरो ले लिया है, उसको छील के हमने धो के साफ करके रख लिया है। एक प्याज लिया है मीडियम साइज की, उसको मैंने धो के साफ करके काट लिया है। 8 मिर्ची लिया है, 3 टमाटर लिया है, उसको भी हमने धो के साफ कर लिया है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं, क्योंकि हम तरो में मसाला भर के आज भरुआ तरो बनाएंगे। धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची लिया है, 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। अब इसको हम सब मसाला को मिला लेंगे अच्छे से, और थोड़ा इसका हम पेस्ट बना लेंगे मसाला को। तो हल्का सा इसमें हम पानी डाल देंगे 2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट टाइप का तैयार हो जाएगा। मसाला हमारा भरने के लिए तैयार हो गया है। ये तर्रो है, हम इसको काट लेंगे 2-2 इंच का टुकड़ा चाकू के हेल्प से। देखो, सारा तर्रो हमने काट लिया है। अब इसको हम बीच से चीरा लगाएंगे, ताकि मसाला इसमें अच्छे से भर जाए, ऐसे करके। अब हम इसमें मसाला भर देंगे। तो इस प्रकार से हम मसाला भर के तैयार कर लेंगे। तो हमने सब तर्रो में मसाला भर लिया है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में, चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है, और उसमें पैन रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल यूज करेंगे, तो ऑयल मैंने डाल दिया है। अब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम तर्रों को इसमें पका लेंगे, ऐसे करके। तो सारी तर्रों हमने एक एक करके तेल में डाल दिया है। अब इसको हम चम्मच के हेल्प से पलट देंगे, एक साइड हमारा पक जाएगा, तो दूसरे साइड पका लेंगे हम इसको। फिर इसको हम डुलाते हुए पकाएंगे ऐसे, ताकि जले नहीं, अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। अब पलट देंगे इसको हम, तो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब एक एक करके हम इसको निकालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और इसको हम डुला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। अब इसको भी हम डुला देंगे पकने के लिए। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा डुला देंगे। अब इसमें हम टमाटर मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अब इसको हम डुला देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा उबाल आ रहा है ग्रेवी में। हमारा ग्रेवी अच्छे से पक गया है। अब फ्राई किया हुआ तर्रो हम इसमें डाल देंगे एक एक करके, और थोड़ी देर के लिए इसको हम पका लेंगे। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे। हरी धनिया डालने से कितना बढ़िया इसका टेस्ट आता है, और देखने में कितना प्यारा लगता है। तो आप एक बार ये सब्जी ज़रूर बनाइए दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप पूरी, पराठा या चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ खा सकते हो, खाने में बहुत ही अच्छी रहती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली, परिवार, दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।